नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएलपी खबर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बड़ी खबर जनपद श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र सिरसिया के अंतर्गत जमनी कला गांव का है, जहां पर आपको बताते चले कि गाँव से बाहर 500 मीटर दूरी पर गेहूँ के खेत के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिला है। इसकी जानकारी ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी गई है। जानकारी मिलते ही पहुंचे मौके पर प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचकर घटनास्थल पर व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना चाहा, लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति हमारे गांव का नहीं है। वहीं लोगों ने बताया कि गांव में 3 जगह चोरियां हुई है, जिस पर आशंका जताते हुए ग्रामीणों ने बताया कि बंटवारे को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसको देखते हुए प्रभारी निरीक्षक द्वारा उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल चौबे के द्वारा पहुंच कर के घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच करवाई गई। वहीं पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ गांव में चोरी हुई घटनास्थल का भी अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव द्वारा चोरी की घटना का निरीक्षण किया गया। वहीं इस विषय में जब पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृत युवक का अब तक पहचान नहीं हो पाई है, फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है, इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। आज 15 फरवरी को थाना सिरसिया क्षेत्र अंतर्गत ये गांव पड़ता है जमनी कला, वहां से एक सूचना आई कि वहां एक कबला है, उसके पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। वहां पे सिरसिया थाने की टीम पहुंची और मेरे द्वारा भी वहां पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि वहां पे एक शव है जिसको अभी जो प्राइमाफेसाई लग रहा है कि उसकी गला दबा के उसकी हत्या की गई और खून के निशान है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचायतनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव की शिनाख्त नहीं हुई है। वहां पे एक चोरी की घटना भी हुई है इसी रात, तो कैसे इससे कनेक्टेड है ये सारी चीजें हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे कुछ जानकारी होगी आप लोगों को बता।